नमस्ते, इंडियन फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। इसके लिए 3 प्याज, 6 टमाटर, 10 हरी मिर्च, 10 लहसुन, 1 इंच अदरक और कटे हुए धनिया। अब मैंने प्याज को स्लाइस में काट लिया है, टमाटर को चॉप कर लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में और हरी मिर्च को भी काट लिया है। कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा गर्म होने पर हम इसमें तेज़ पत्ता डाल देंगे। तेज़ पत्ता डालने के बाद अब हम इसमें छोटी इलायची डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा, दालचीनी 1 इंच के करीब, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, ये डालकर इनको हम अच्छे से भून लेंगे। सारे खड़े मसालों का प्रयोग किया है। अब प्याज की स्लाइसेस डाल दी हैं और उनको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक जो छील कर रखा था उसको डाल देंगे, साबुत ही, और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाला है और जब हल्का सा प्याज लाल होने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे। अब प्याज भूनने के बाद हम इसमें काजू डाल देंगे, जो 10 से 12 काजू लिए हैं मैंने, और इनको भून लेंगे। उसके बाद जो 6 टमाटर हमने छिलका उतार कर काटे थे उनको डाल देंगे। अगर आपको छिलका नहीं उतारना तो आप ना उतारें। अब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 चम्मच के करीब, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जब हमारा मसाला पूरा पक जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है 1/2 कप के करीब, और इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए सिम पर पकाएंगे। आप देखेंगे उसके बाद हमारा सारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, टमाटर भी हमारे मैश हो गए हैं। आप देखेंगे कलर भी छोड़ दिया है। अब इसको ठंडा होने के बाद मैं ग्राइंडर जार में इसको पीस लूँगी। ध्यान रखें आप गरम नहीं पीसें वरना आप जल भी सकते हैं। अब मैंने बटर लिया है करीब 3 चम्मच बटर, और अदरक को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट कर डाल दिया है, और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। जब हमारी अदरक भुन जाएगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप ऐसी ही रखें, अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पतली चाहिए तो आप इसमें पानी, जैसा आपको पतला गाढ़ा चाहिए उसके अनुसार डालें। मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है और इसको ढककर अच्छे से पकाया है। देखेंगे ग्रेवी काफ़ी उबल गई है और कलर भी अच्छा है। अब मैंने लगभग 100 ग्राम पनीर लिया था और उसको ग्रेट कर लिया था, और उसको ग्रेवी में अब मैं मिक्स कर दूंगी, इससे आपकी ग्रेवी में थिकनेस आएगी। अब मैंने 1 छोटी चम्मच चीनी ली है, आप चीनी की जगह शहद भी डाल सकते हैं, और जो पनीर के पीसेस मैंने काटे थे उनको मिक्स कर दिया है और अच्छे से हिला लो। आप देखेंगे आपके सब्जी में उबाल आ गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश कर दिया है, लगभग 1 चम्मच कस्तूरी मेथी है, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बिना पनीर का स्वाद जो है अधूरा रहता है। और आपने ध्यान किया होगा मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैंने नमक डाला है। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, और कटा हुआ हरा धनिया, इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हरा धनिया आप खुल कर डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। आप देखेंगे आपके पनीर की सब्जी रेडी हो गई है, और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए डाल दें, और गरम गरम
सर्व करें। थैंक यू।